हाय एवरीवन, सभी का स्वागत है फिर से हमारी एक नई वीडियो पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर गूगल पे अकाउंट को किस तरह से बनाएंगे। दोस्तों गूगल पे अकाउंट एक यूपीआई पेमेंट ऐप है जिसके माध्यम से लोग पैसे ट्रांसफर करते हैं और रिसीव भी करते हैं। उस माध्यम से बैंक में ये पैसे कट जाते हैं और उसमें डिपॉजिट भी हो जाते हैं। दोस्तों गूगल पे अकाउंट बनाने के बाद उस पर पैसे किस तरह से ट्रांसफ़र किए जाते हैं और उस पर पेमेंट किस तरह से आप रिसीव करेंगे, बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज को किस तरह से करेंगे, बाकी जो अवार्ड मिलते हैं उनको आप इस तरह से स्क्रैच करेंगे और बैंक बैलेंस अपना किस तरह से चेक करेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन करना है और आपको अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप टाइप करेंगे गूगल पे। उसके बाद आपके सामने गूगल पे का जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने आ जाएगा, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको वेलकम पोस्ट पेज मिलेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना जो मोबाइल नंबर टाइप करना है, मोबाइल नंबर आपको वही टाइप करना है जो आपके बैंकों के साथ ऐड है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर को मैं डाल देता हूँ। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस को रिकमेंड करेगा। आप जो भी ईमेल एड्रेस रखना चाहते हैं वो एप्लीकेशन के साथ ईमेल एड्रेस जोड़ देंगे। यहाँ पे मैं इस ईमेल एड्रेस को रख रहा हूँ इसलिए मैं इसे अब एक्सेप्ट और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे सारी डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद आपके सामने अगर आपका पहला ही अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पे आपको एक बैंक सजेस्ट करेगा जो आपकी इस पर एक्टिव या इनएक्टिव रहेगी। तो यहाँ पे मैं इसे नोट नाउ कर देता हूँ। आपके सामने एप्लीकेशन का डैशबोर्ड पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे देख सकते हो सभी तरह की जो सर्विसेस हैं उनको ओपनली देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्कैन करके आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर के माध्यम से भी पैसे भेज सकते हैं और यहाँ पे आप बैंक के माध्यम से भी पैसे भेज सकते हैं। किसी को यहाँ पे सेल्फ ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं और बिजली बिल या और भी बिल्स को पे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। ऐड करने के लिए आप अपने मोबाइल अपने लोगों के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको साइड में कॉर्नर में मिलेगा सेटअप पेमेंट मेथड, यहाँ पे आपको फर्स्ट में मिलेगा बैंक अकाउंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी जो भी बैंक है उसका नाम यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप टाइप करेंगे अपनी बैंक का नाम, तो यहाँ पे आपकी बैंक मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, तो यहाँ पे नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपकी जो भी बैंक है आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि ये कोई भी बैंक HDFC या स्टेट बैंक का। उसके बाद ये ऑटोमेटिक उस नंबर से डिटेक्ट करेगा और उस नंबर के साथ आपकी उस बैंक में जितने भी अकाउंट हैं सभी को आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आप जिस भी अकाउंट नंबर के साथ गूगल पे एक्सेस करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक अकाउंट नंबर है उसको चूज़ कर लिया, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो मेरा बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। यहाँ पे मेरा जो पुराना UPI पिन है उसको ही रखना है, तो मुझे यहाँ पे सेटअप नहीं करना है। आप नए होंगे तो आपको सेट UPI नंबर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे लिख रहा है ऑलरेडी UPI नंबर, तो आपको यहाँ पे गॉट इट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो प्राइमरी यहाँ पे देख सकते हो सेव हो चुका है।
उसके बाद यहाँ पे मुझे बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पे बर्न अकाउंट है वो मेरा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। यहाँ पे मेरा जो UPI नंबर है वो भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो QR कोड है वो यहाँ पे आप इसको शो कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका QR कोड जनरेट हो जाएगा। इस QR कोड के माध्यम से आप पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। किसी को भी स्कैन कराएंगे तो जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पे बैंक दिख रही है उसी नंबर पर सेंड डिपॉजिट हो जाएगा। बैक करेंगे उसके बाद अब आपको होम डैशबोर्ड पेज पर आना है कुछ इस तरह के। अगर किसी को पेमेंट भेजना है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन स्कैन एनी QR कोड पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको उस QR कोड को स्कैन करना है, चाहे आप किसी शॉप पे हो या किसी का, जैसे कि मैंने अभी QR कोड दिखाया है, किसी का स्कैन करके पेमेंट सेट करना हो तो आप इस तरह से करेंगे। अगर आपकी गैलरी में किसी ने आपको WhatsApp QR कोड किया तो आप अपलोड फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे, वहाँ से QR कोड को सिलेक्ट करेंगे तो उसके माध्यम से भी उसको पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये किसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है तो पे कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं उनमें से जो भी गूगल पे को यूज़ करते हैं उनके नाम आ जाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे, तो आप उस नंबर नाम पर क्लिक करेंगे और उसको पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड है यहाँ पे फ़ोन नंबर। अगर आप किसी नंबर UPI नंबर के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नंबर टाइप करेंगे। कोई कॉल कर रहा है या किसी को पैसे भेजने हैं तो उसका नंबर टाइप यहाँ पे करेंगे, उसको पैसे सेंड कर सकते हैं। बैंक आने के बाद यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र की बात करें तो अगर किसी के पैसे बैंक में डिपॉजिट करने हैं तो आपको यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर डालना है, उस बैंक का FSC कोड डालना है। यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसकी सम डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। आप उसको कॉन्फर्म करने के बाद पेमेंट को टाइप करेंगे और पिन डालकर उसको सेंड कर देंगे। यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज की बात करें तो आपको यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे अपना या किसी का भी मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं उसका नंबर टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो प्लान्स हैं वो उसके नीचे शो हो जाएंगे। आप उस प्लान को देखकर जो आपके अकॉर्डिंग हो आप उस प्लान पर क्लिक करेंगे और जो अपना जो रिचार्ज है उसको कर सकते हैं। यहाँ पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पिन डालकर और इस नंबर पर ये रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं इन एप्लीकेशंस में जो बाकी एप्लीकेशंस के माध्यम से जो सिक्योरिटी और सेफ्टी होती है वो काफ़ी ब्रांड होती है, जैसे कि एप्लीकेशन है UPI में, Paytm है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, तो इस तरह के एप्लीकेशन है जो काफ़ी चर्चित और सिक्योर हैं। बाकी और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं मार्केट में तो उनसे इतना सिक्योरिटी नहीं है जितना इन पर, क्योंकि इनका जो कस्टमर्स हैं जो इनके व्यूवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे बिजली बिल की बात करें तो यहाँ पे आपको नीचे बिल्स और रिचार्ज का ऑप्शन मिलेगा, उसके नीचे व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे। यह नीचे आने के बाद अब आपको सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जिस भी विद्युत विभाग से आपको बिजली प्राप्त हो रही है उस विद्युत विभाग को क्लिक करेंगे। यहाँ पे उसका कंज्यूमर नंबर डालेंगे और यहाँ पे अगर निक नेम है तो डाल दें, ऑप्शनल है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगा और आपका जो वर्तमान इस कंज्यूमर नंबर पर जो बिजली बिल है वो डिटेक्ट होने के बाद पे का ऑप्शन आएगा, आप उस पर पे करेंगे। रिसिप्ट जनरेट होगी, आपको आपकी रिसिप्ट मिल जाएगी और आपका नेट से जो बिजली बिल है वो भी कट जाएगा। यहाँ पे फास्टैग रिचार्ज, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड और गैस सिलेंडर बुकिंग, काफ़ी सारी सर्विसेज हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें लोन और EMI की तो वो भी सुविधा है, यहाँ पे लोन EMI की पर क्लिक करेंगे तो आप किस माध्यम से कितना पेमेंट चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों इस तरह से इस एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है। उसी में यहाँ पे आता है अवार्ड्स का, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ये इस तरह के स्क्रैचेस रहते हैं जो आपको स्क्रैच करने को हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप क्या यूज़ करें। ये आपके लिए ऑफर्स रहता है कि आपको इतना तक का अमाउंट आपके अवार्ड में मिल सकता है।
यहाँ पे बैंक चेक बैलेंस की बात करें तो आपको सबसे नीचे चेक बैलेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। आप उस बैंक अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं कि आपका मेन बैलेंस अभी कितना है। यहाँ पे सीज ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की बात करें तो आपने कब क्या कितना कहाँ पेमेंट सेंड किया है और किस तरह का उसका मोड रहा है, ऑनलाइन रहा है या QR कोड के या फ़ोन नंबर के सारे माध्यम से यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे आपने किसी से कुछ ख़रीदा है तो वो भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने उसको कितना पेमेंट दिया था। और आपका लास्ट पेमेंट और अगले महीने का पेमेंट या लास्ट मंथ का पेमेंट कितना ट्रांजेक्शन हुआ है वो भी यहाँ पे रिपोर्ट रहती है। यहाँ पे सारी सर्विसेज को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। और इसमें एक है इनवाइट फ्रेंड्स, तो यहाँ आपको 201 रुपये मिलेंगे जिसने अभी तक अपने मोबाइल नंबर से गूगल अकाउंट नहीं बनाया, आपने उसको अपना कोड शेयर किया और आपने उसको इनवाइट किया और आपके लिंक से उसने डाउनलोड किया, तो उसके बाद अपना अकाउंट बनाने के बाद उसको 201 रुपये रिसीव होंगे। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें।